नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक छोटा सा केस स्टडी है सेडार, जो नीचे अभी बोर्ड में दिख रहा था। और काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब चैनल पे आया नहीं, और यहाँ पे कुछ वीडियो भी अपलोड नहीं किया है मैंने। और ये काफ़ी दिन के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और एक्चुअली ये वीडियो जो है, ये पार्ट 2 मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसका जो ट्रबल शूटिंग है वो उसका वीडियो जो है मैं फेसबुक में लाइव किया था, और कुछ मेरा इंटरनेट का इशू हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया। इसके कारण से मैं वहाँ पे आधा में रुक गया, यानी कि कुछ 1 घंटा का वीडियो है वो, 6 घंटा उसको इसको डायग्नोस करने में लग गया था। तो उसका ये सेकेंड पार्ट है, और नेट का इशू है बोल के मैं थोड़ा सा इस वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में यहाँ पर अपलोड किया कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यह है, इसमें एक शटर का बोर्ड है, और इसमें SLPS4 शॉर्ट है PCH से, यानी कि SOC से। तो ये बोर्ड रिपेयर होगा या नहीं होगा अभी मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ करना है, करके देखना है कि वो हो रहा है कि नहीं। तो ये एक केस स्टडी है छोटा सा, आप देखते रहिए और क्या प्रॉब्लम है इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, और इसमें काम करके भी दिखाता हूँ। तो आते हैं केस स्टडी पे। DMM लूँगा यहाँ पे। इस बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है ना, मतलब मेजर कॉइल शॉर्टिंग नहीं है, और ये बोर्ड ऑन हो रहा है। तो पहले इम्पीडेंस ही दिखा देता हूँ मैं सब तरफ का। तो इम्पीडेंस के लिए एक बार के लिए मैं DMM लूँगा यहाँ पे मैनुअल मोड पे। तो ये CPU का है, और ये कोर वोल्टेज, और ये और एक वोल्टेज है 1 वोल्ट होगा, PCH का होगा। और यहाँ पे S5 के लिए दोनों है 3.3 और 5 वोल्ट, दोनों का दोनों है इधर। और इसमें इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बताऊंगा आपको मैं। रैम का है ये, तो शॉर्टिंग मतलब कहीं पे नहीं है, पिन नंबर 8 भी शॉर्ट देखने के लिए शॉर्टिंग नहीं है। अब दिक्कत का क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये हो रहा है कि मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। मैं इसको एक बार पावर ऑन करके दिखाना चाहूँगा, और ये जो है पावर लगाते ही 0.007 एम्पियर का कंजप्शन हुआ होगा, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे। और रह गया बात इसमें जो मतलब इशू का, तो यहाँ पे इशू बन रहा है आप देख सकते हैं, पावर बटन प्रेस करने से ऑन नहीं हो रहा है। और इसका अगर मैं मल्टीमीटर पर दिखाऊं तो ट्रिगर के लिए वोल्टेज है वहाँ पे 3.3 अवेलेबल है। मैं इसको वोल्टेज मोड में शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पे है वोल्टेज 3.1, और ट्रिगर करने से बंद या चालू हो रहा है ना। तो लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। और थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा अगर, तो मगर DSO पे मैं दिखाता हूँ इसका RTC सेक्शन का बात, कि RTC सेक्शन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है इस केस, ऐसे केस में। तो वो भी आपका डाउट क्लियर करवा देता हूँ मैं जो भी है। तो अब DSO को थोड़ा ध्यान दें और देखें कि इसमें क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा मुझे DSO, और इसके लिए मैं 20 जो मिली वोल्ट करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक मिलना चालू हो गया, यहाँ पे क्लॉक 32 MHz का आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, एकदम सही है। और इसको ट्रिगर हटाऊँ अगर यहाँ से, तो ये क्लॉक देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लॉक में, ठीक है। और दूसरा साइड अगर देखें तो दूसरा साइड का भी शेप जैसा होता है वैसा एक्यूरेट आ रहा है, कोई इशू नहीं। मैं इसको होल्ड करूँ अगर ट्रिगर मोड पे, तो ट्रिगर पॉइंट भी है, फॉलिंग एज में है, राइजिंग एज करता हूँ अगर तो यहाँ से मिल जाता है। तो क्लॉक का तो कोई इशू नहीं है इसमें। रह गया बात अपना स्टैंड बाई का, कि इसमें स्टैंड बाई फेल होता है मुझे पता है, तो स्टैंड बाई का वोल्टेज भी अवेलेबल है, लेकिन मैं DSO पे ही शो करवाता हूँ कि क्या वोल्टेज है वो, है ना। तो यहाँ पे
टेन एक्स है तो मैं इसको 1x करता हूँ, ताकि वोल्टेज दिशा 5 वोल्ट है, ये 3.3 है। तो इसको मैं एक बार के लिए ट्रिगर मोड पे लेके दिखाऊँ अगर कि इसमें एक्चुअली में ये जो वोल्टेज आ रहा है वो सही है क्या। सॉरी मतलब मेरा हाथ हिल गया था। तो इसको मैं एक बार के लिए 90 का एंगल लूँ तो यहाँ सेट करना पड़ेगा टाइम मुझे, और तो सिंगल मोड लेता हूँ अब फिर से। सॉरी क्यों नहीं ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें 90 डिग्री का शेप मिल चुका है। अब इसको 60 डिग्री पे भी लाऊँ अगर तो भी आपको शेप में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आता है। अब इसको मैं थोड़ा सा अपने रेशियो पे जूम करके दिखाऊं इसको, तो आप देख सकते हैं कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। ये जो है 500x पे जूम किया हूँ मैं इसको, इस वेब फॉर्म को या जो भी बोलें आप, तो इसमें कहीं भी गड़बड़ी का नज़र आता ही नहीं है मुझे। मेरे हिसाब से तो ये गड़बड़ी नहीं है, और बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं आइडिया। तो रह गया बात जो मैं कुछ बताता हूँ आप देखिए ज़रा। तो एक सेकंड का टाइम लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अब रह गया 5 वोल्ट का, वो भी तो डाउट में है। उसके लिए मैं वोल्टेज रेंज थोड़ा सा चेंज करूँगा, और उसके लिए फिर से दोबारा से उसको मैं वोल्टेज को ट्रिगर पे लूँगा। तो फिर से सैंपल लूँगा मैं, क्योंकि वो मेरा हाथ लग गया था और इसको ज़ीरो करना है तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। मैं वेट कर लेता हूँ, कुछ 5-10 सेकेंड का वेट करना पड़ेगा इधर। और ये डाउन हो रहा है, आप देख रहे होंगे। अगर ज़ीरो नहीं होने दूंगा तो सही से मतलब सेफ नहीं मिलेगा उसका। तो आप ले सकते हैं इसको सिंपल यहाँ से। तो ये भी 90 डिग्री का मिल चुका है, और देखा जाए तो इसको मैं अगर जूम करूँ तो इसमें भी कोई गड़बड़ी नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब क्या देखना है इसमें। अगर आप SPI देखेंगे तो SPI भी कम्युनिकेट हो रहा है कहाँ से, और PCS से यानी SOC से। तो उसको भी मैं अगर दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ। ये डेड है, ऑन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा SPI को भी दिखाता हूँ कि क्या SPI सही है। और आप देखेंगे चैनल 2 का भी इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, और चैनल 2 को थोड़ा सा ड्रॉप करता हूँ नीचे में, और इसको मैं इन्वर्टेड पे रखूँगा ताकि सैंपल मिले तो अच्छा से मिल जाए। चैनल 1 को ट्रिगर मोड चाहिए मेरे को, तो थिंक नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा मेरा हाथ जो सही से नहीं लगा है, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेरे को सैंपल भी मिल चुका है, और ये जो सैंपल है ना आई थिंक ये एक्यूरेट है। क्यों दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर इसको करूँ तो ऐसे ही कुछ होगा है ना। और थोड़ा सा इसको मैं और छोटा करता हूँ स्केल को, तो क्या मिल जाता है, यानी कि एक 32 बिट का होगा आई थिंक। ये जो है 32 बिट का है। अगर बिट यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई हो रहा है तो मीन्स ये कम्युनिकेशन सही हो रहा है PCS से SOC से, सही है। तो टाइमिंग भी सही है मेरे हिसाब से। और रह गया बात, अब जो इसमें लॉजिक
फेल होने का, तो लॉजिक को भी मैं चेक करके दिखाता हूँ कि लॉजिक क्या फेल है इसमें, तो वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, उसके बाद सॉल्यूशन पे आएंगे। तो उसके लिए फिर से मैं क्या यूज़ करूँगा, एक चैनल का इस्तेमाल करूँगा, और इस बोर्ड का जो 93 नंबर पिन है वो है PSL इनटू होगा आई थिंक। तो इसको मैं 1 वोल्ट पे करता हूँ तो 2.5 के आसपास मिल जाता है, और अगर ट्रिगर पे लूँ, अगर आप देखेंगे इसको मैं, ये हाई है यानी कि अब जब बटन प्रेस करता हूँ तो लो हो रहा है, यानी कि बटन ट्रिगर हो रहा है। आप देख सकते हैं इसको, जितना जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ उतना जल्दी पल्स बनते जा रहा है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, है ना। अब रह गया RTC VCC का बात, तो अगर VCC आ रहा है तभी तो क्लॉक बन रहा है, तो वो भी मैं चेक कर दूँ। यहाँ पे RTC VCC है, और जब मैं पावर ऑन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा VCC ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी 3 वोल्ट है RTC सेल पे, और जब चालू कर रहा हूँ तो बढ़ रहा है, अभी ऑफ है, अभी ऑन किया तो बढ़ रहा है। अब रहेगी RTC रीसेट, तो RTC रीसेट भी इधर है, ये यहाँ पे है। सेकेंडरी रीसेट की बात करें तो वो भी है, दोनों हैं। तो और दूसरा चीज़ इसमें क्या है, आपको अगर दिखाऊं तो इसमें रैम वोल्टेज प्रेजेंट है ना, ये देखिए, वो पहले ही मैं ये चीज़ बता चुका हूँ फेसबुक लाइव में, रैम वोल्टेज प्रेजेंट है, यानी कि एकदम ये जो PWM है ना प्रॉपरली काम कर रहा है। आप देख सकते हैं एक तो फ्रीक्वेंसी इसको मिल रहा है, इसको ट्रिगर पॉइंट में अटैच करूँ तो यहाँ पे ट्रिगर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं पोजीशन ट्रिगर का चेंज करता हूँ, ये प्रॉपर एक तो पल्स बन रहा है। अगर ट्रिगर यहाँ पे लूँ तो भी दिखेगा कि ये पल्स बन रहा है प्रॉपरली, एक ड्यूटी साइकिल दिख रहा है यहाँ पे कि क्या है ड्यूटी साइकिल में। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वोल्टेज आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट पर डिवीज़न है भाई, तो आपको इससे पता लग ही रहा होगा कि 1 वोल्ट पर डिवीज़न है तो ये कितना होना चाहिए, यहाँ पे 1.35 वोल्ट के आसपास तो दिख ही रहा है, ओके है। अब आ जाते हैं इसका, ये पिन नंबर 16 पे, यानी कि SLPS4 जैसे कि बताया इसको शॉर्ट है, तो SLPS4 कैसे शॉर्ट है मेरे को आपको बताया कि ऑलरेडी मैं पिछला जो वीडियो चल रहा था फेसबुक पे मैं उसको वहाँ पे चेक कर चुका हूँ। तो ये 16 नंबर जो पिन है SLPS4 है, आप देख सकते हैं पावर बटन ऑन नहीं है, आप एम्पियर को ध्यान दीजिए, 0.006 एम्पियर लिया है ये मिली एम्पियर, लेकिन फिर भी ये SLPS4 मिल रहा है, देख सकते हैं SLPS4 पिन नंबर 16 जो अपना रैम सप्लाई का जो IC है उसका पिन नंबर 16 है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम, और दूसरा चीज़ अब दिखाना चाहूँगा RTC जब मैं रिमूव कर देता हूँ RTC सेल, तो आप देखें बोर्ड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे RTC रीसेट भी होते हुए नज़र आएगा, देखेंगे अगर, तो मैं अगर दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, और RTC रीसेट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा नज़र, एक बार हुआ रीसेट तो इसको स्कैन मोड पे ले लूँ या तो ट्रिगर मोड पे ले लूँ, ट्रिगर मोड पे भी लूँ तो आप देख लीजिए यहाँ पे रीसेट हो चुका है RTC। यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊँ एक बार RTC रीसेट होते हुए, तो ये रीसेट हो रहा है, एक सेकेंड का थोड़ा सा मैं इसको राइजिंग एज पर चेंज करता हूँ इसका एज। तो यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ आपको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। आप यहाँ पे नहीं दिखेगा, और टाइम थोड़ा सा सेट करता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा RTC रीसेट हुए दिख गया यार,
क्या मजाक है, रुक जाओ। थोड़ा सा इसको सेटिंग चेंज करता हूँ मैं, ताकि आरटीसी रीसेट दिखाना है ना आपको। तो ये है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है अभी क्योंकि ऑन था। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप आरटीसी वोल्टेज हाई हुआ, यहाँ पे आपको पल्स दिख रहा होगा रीसेट का, सेकंड वाला जो, ये कुछ है। आपका कितना मिली सेकेंड हो सकता है ये ट्रिगर पॉइंट, ये देख लीजिए। यहाँ पे रीसेट हो चुका है आरटीसी, और बोर्ड ऑन भी हो चुका है। आप देख सकते हैं मिली एम्पियर कितना ले रहा है ये, 283, यानी कि बोर्ड ऑन हो चुका है। अभी ऐसे ऑफ़ करता हूँ अगर, तो बोर्ड ऑन भी होगा, ऑफ़ भी होगा, ऑफ़ भी हो चुका है। फिर दोबारा ऑन करता हूँ तो ऑन भी होगा, ऑन भी हो रहा है। तो अब इसमें डिस्प्ले, अगर डाउट है तो डिस्प्ले भी मैं शो करवाता हूँ एक बार के लिए कि डिस्प्ले क्या आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए, डिस्प्ले भी आ रहा है। इसमें मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्पीकर लगाया, अभी चालू किया तो देखिए डिस्प्ले आया, वापस से बीप भी आ रहा है, 5 टाइम का बीप भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है, मैं सॉल्यूशन अब करूँगा इसमें। तो मैं थोड़ा सा इसको समझ लेता हूँ कि क्या हुआ है इसमें, और थोड़ा सा मैं इसको स्कीमेटिक में भी दिखाऊँ, चेक करना चाहूँगा कि इसमें हो क्या रहा है, यानी कि जो चीज़ इसमें हो रहा है क्यों हो रहा है, और होना चाहिए क्या उस चीज़ को। और S4 अगर मिस कर रहा है तो क्यों। हाँ, और दूसरा चीज़ मैं दिखाया नहीं कि S4 का जो कंडीशन है, मैं मल्टीमीटर पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए S5 से, यानी कि 3.3 का जो कॉइल है, कौन सा है जो मुझे भी आइडिया नहीं है। और यहाँ देखेंगे मैं रैम का पिन नंबर 16 पे ये करता हूँ, क्या नाम है कि, तो शॉर्ट मिल रहा है। अब इसको आपको ऑफिस से माइक्रोस्कोप पे दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि बंदा गलत बोल रहा है ना। तो ये है, मैं जो शॉर्ट कर रहा हूँ वो लोकेशन कौन सा है मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये 5.4 ओम्स का शॉर्टिंग मिल रहा है, यानी कि ये SLP S4 है। इसलिए मैं जान पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें 1 घंटा वारंटी किया हूँ, वो भी लाइव में किया हूँ, और वो उस लाइव को आप फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से मैं PDF पे आता हूँ, तो PDF में क्या हो रहा है देखिए, SLP S4 अगर ढूँढूँ मैं तो SLP S4 जो है, कहाँ गया, क्या PU4901 का लोकेशन है रैम सेक्शन का, जो कि अब इसमें क्या है, ये सेक्शन आउट हो रहा है, यानी कि ये वर्क कर रहा है, ये वोल्टेज है बिल्कुल काम कर रहा है, और ये वोल्टेज मिल रहा है 1.35 वोल्ट। मैं मेजर करके भी दिखाया है आपको, और अगर देखेंगे आप ये वोल्टेज तो आ ही रहा होगा 12 नंबर पिन पे, इसको चेक करने का मेरे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जो है पावर गुड नहीं मिल रहा था, तो पावर गुड का अभी कोई काम ही नहीं है, पावर गुड का कुछ मेरे चेक करके कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो जब तक मेरा बोर्ड चालू ना होता है, तो अब यहाँ पे किया क्या जाए। तो जो मिल रहा है ये यहाँ पे, इसको एनेबल होने के लिए चलना क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो अगर देखूँ मैं, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है एक तो ग्राउंड इस IC का,
जो 21 और 7 पे है, और दूसरा इसको भी इन 5 वोल्ट, ये जो 12 नंबर पिन पे है, और दो चीज़ हो गया चलने के लिए। तीसरा चीज़ ये बनता है, चौथा चीज़ ये बनता है, और ये फाइनल जब सेक्शन चालू हो जाएगा तब हमको चाहिए। तो इसमें तो कोई सप्लाई नहीं है, मैं चेक किया था। अब ये चलने, ये बन रहा है, ये वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे 3.3 वोल्ट, और जो कि S4 से है ये कनेक्टेड। अब कहाँ से कनेक्टेड है मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर, तो आप देख लीजिए, ये रह गया PM। ये कहाँ से है, ये जो है, अब देखिए इसको, ये है ना, दिख रहा होगा। और इसको वापस से इधर अगर आऊँ तो ये कहाँ से आ रहा है, SLPS4। अब देखिए ये दो चीज़, बीच में एक रजिस्टर है। अब इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर है सिर्फ, और यहाँ से यहाँ आते तक ये जो है इधर नाम चेंज हो गया है, सॉरी ये इधर नाम चेंज हो गया है, और इधर SLPS4 है, PM_SLPS4 हैश है ये। तो अगर इसको, अगर मैं थोड़ा सा इसको फाइंड करूँ कि ये PM SLPS4 गया कहाँ है, तो कुछ ऐसा मिलता है। और सॉरी कॉपी नहीं हुआ, यहाँ से अगर इसको कॉपी कर लूँ तो एक लोकेशन तो ये मिल गया। ये तो पावर ऑन सीक्वेंस में है, तो इसे कुछ लेना देना मेरे को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्किट नहीं है पावर, ये सिर्फ और सिर्फ पावर ऑन सीक्वेंस में है ना। और ये कब आ रहा है कि अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे इस सीक्वेंस के बाद आ रहा है। अब ये सीक्वेंस है क्या, ये है PM लाइन एनेबल, ठीक है। अब दूसरा आगे जाएँ तो यहाँ पे भी पावर सीक्वेंस में है, और तीसरा नंबर जो जगह आ गया ये होता है यहाँ पे पावर सीक्वेंस में, अगर देखा जाए तो ये PM_SLPS4, यानी कि ये है पिन नंबर, अपना IO का पिन नंबर है 21, ठीक है। अब वापस से अगर देखा जाए तो कहाँ गया है, सॉरी तो हट गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट टूल। ये रह गया ये, यहाँ पे ये कहाँ से जा रहा है, ये डायरेक्टली हसवेल से यहाँ पे आके, यहाँ पे IC का नंबर अलग दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन वही है, ये कौन सा सेक्शन है, 1.35 वोल्ट, 1D 35 वोल्ट, यानी कि रैम सेक्शन। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये चीज़, है ना। अब इसके बाद पावर ओके निकलेगा, रन पावर ओके यहाँ से, जब ये सेक्शन चालू हो जाएगा। और ये गया कहाँ, गया है इसको, इस सेक्शन को इनेबल करने के लिए, ये चीज़ हो गया। अब ये निकला कहाँ से है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाया गया है, ये PM SLPS4 जो एक्चुअल नेम होता है इसका, बाई प्रोवाइडिंग बाई इंटेल, ये होता है। और जो एज पर डेवलपर वो जो देना चाहे नाम, वो ये होता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ से ये फॉरवर्डिंग में है, यानी कि ये गया है, और कहाँ कहाँ गया है, सिर्फ ये दो लोकेशन पे गया है, ठीक है। तो दो लोकेशन में, एक तो रैम सेक्शन मिल गया और दूसरा चीज़ IO मिल गया, 20, 21 नंबर। तो अब रह गया बात, इसके बीच में हो क्या रहा है। तो वो शॉर्टिंग तो है, कहाँ कहाँ शॉर्टिंग है मैं दिखाया, और शॉर्टिंग में क्या कर सकते हैं वो भी दिखा रहा हूँ, सॉरी क्या क्या जा सकता है। शॉर्टिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली PCH से शॉर्ट है। अगर PCH से शॉर्ट है, इसमें मतलब वो हसवेल से शॉर्ट है SOC से। अगर इसको मैं, अगर बोर्ड व्यू पे भी दिखा जाए कि और कहीं पर लिंक है, तो उसको भी मैं दिखा सकता हूँ। इसका बोर्ड व्यू है, हमारे सर ने दिए थे, तो मैं IO पे लेके चलूँ बोर्ड व्यू, तो ये IO, और IO पे मैं अलाइन नहीं करता हूँ, बेटर होगा। तो पिन नंबर 21 कहाँ गया, पिन नंबर 21 ये है। अगर नेट देखा जाए तो 4 नेट है टोटल, एक CPU जो 180 यहाँ पे आया हुआ है,
और दूसरा एक है आईओ, तीसरा एक है जो रैम सेक्शन, जो यहाँ से आके यहाँ से आया यहाँ से आया, ये कौन सा पिन है? 1.35 वोल्ट एनेबल, ये वाला दिख रहा होगा अगर, तो 16 नंबर पिन पे यहाँ पर रजिस्टर है। रजिस्टर रखी क्या, शॉर्ट पैड है ये, सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ से ये गया सीधा सीपीयू में और कहीं नहीं गया है। नेट दिखाऊँ तो टोटल नेट, ये एक नेट यहाँ पे आ गया, एक नेट यहाँ पे आ गया, एक नेट यहाँ पे आ गया, और कोई लिंक नहीं है कहीं ना कहीं से, कहीं से लिंक ही नहीं है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है वो देखना है। मतलब कर क्या सकते हैं वो देखना है। तो एक सेकंड में मैं टाइम लूँगा थोड़ा सा। तो इसमें नेट में मिल गया, अब सॉल्यूशन क्या करना है वो मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लूँगा। और तो अब मुझे ये सोचना है कि S5 का रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों लगा है। तो मैं एक बार के लिए मैं वाइट बोर्ड पे लेके चलूँगा, और वाइट बोर्ड खोल नहीं रहा है क्यों, तो वाइट बोर्ड नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर वाइट बोर्ड नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। PDF पे अगर दिखाऊँ तो इस S5 का रिक्वायरमेंट क्यों है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वोल्टेज का रिक्वायरमेंट हुआ है यूज़ करने के लिए इस सिग्नल का, जो है कि रैम को सस्पेंड करना। अगर मैं देख रहा हूँ अच्छी तरीके से तो रैम को सस्पेंड करने के लिए ये सिर्फ़ और सिर्फ यूज़ किया गया, और कहीं उसका यूज ही नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा एक तरीका निकालना पड़ेगा कि इसको, मतलब इस S4 को बाईपास कैसे कर सकता हूँ मैं। तो अगर S4 को बाईपास अगर कर लूँगा तो अपना काम बन जाएगा। तो अब एक एक करके मैं स्टेप देखता हूँ फॉलो करके, कि क्या इसमें क्या मतलब कर सकते हैं। और उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले R&D करता हूँ थोड़ा सा कुछ, और मैं जाऊँगा कहाँ, यहाँ पे जो कि कैमरा। तो पहले 21 नंबर पिन को मैं ओपन करके देखता हूँ कि क्या शॉर्टिंग हटता है ना। तो 21 नंबर पिन जो है, आईओ कहाँ, मैं पहले से तो खोला था लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया, करंट चला गया बोल के। और सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं है, सोल्डरिंग आयरन को पहले चालू कर लेता हूँ। और उससे पहले मैं हॉट गन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इसको ऑन करना पड़ेगा ना, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पावर ऑन करना पड़ेगा। इसका पावर ऑन नहीं है। तो इसके लिए ये है ना, तो इसमें आईओ शॉर्ट हो सकता है या फिर वो IC शॉर्ट हो सकता है। तो अब अगर मैं देखूं S5 से कौन सा शॉर्टिंग मिल रहा है, तो DMM का यूज़ करते हुए देख सकता हूँ। नीचे का पैड ही शॉर्टिंग मिल रहा है। पिन नंबर 21 कौन सा है, 5, 5, 10, 15, 20, 21, ठीक है। तो अभी भी 5 पॉइंट कितना ओम्स का जो रेजिस्टेंस था वही मिल रहा है, और ऊपर आईओ में नहीं मिल रहा है।
अब रह गया बात रैम सेक्शन का जो यहाँ पे आया है, तो ये भी हटाता हूँ, काम तो किया हुआ है और शायद इसीलिए किया गया है। अब यहाँ पे जो है इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, तो मेरा आईसी को खोलने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता है और चेंज करने का। तो यहाँ से यानी कि SLP S4 जो SOC से आ रहा है ASWELL से, वही ख़राब है। थोड़ा सा एक सेकंड में टाइम लूँगा कि मेरा कैमरा का ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया था। ठीक है, तो वापस से अगर दिखाऊँ तो बीच में तो कोई कंपोनेंट नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है और नहीं ग्राउंड से भी शॉट नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ अगर एक प्रॉब रखूँ और चलूँ अगर S5 पे, तो आप देख सकते हैं S5 का 3.3 AW से शॉट है। ठीक है, अब एक बार PDF पे एक बार नज़र मारता हूँ कि इसको और मतलब या खाली रैम सस्पेंड करने के लिए है ना, और इसका अगर देखूँ तो ये कौन सा है, सेडर का अगर है तो ASWELL होगा। ये है ASWELL, अगर दिख रहा है तो ये ASWELL ही है। और तो यहाँ से आगे और कहीं गया नहीं है, यहाँ से आगे मतलब गया तो है खैर, लेकिन आगे जाके कहीं पे सर्किट नहीं बना इसका। ये एक ठो सर्किट है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है यहाँ पे, तो ये तो ग्राउंड से लगा हुआ है, इसको तो मैं नहीं मान सकता कि ये शॉर्ट होगा, इसके लिए शॉर्टिंग दिखा रहा होगा, क्योंकि ये जो है ग्राउंड से शॉर्टिंग नहीं है। इधर यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो है यहाँ पे ऑलवेज है, यानी कि ALW ऑलवेज 3.3 वोल्ट, यानी कि ये सिग्नल एक्टिव है ऑलवेज ना। तो इसको कुछ माना नहीं जा सकता, कुछ किया नहीं जा सकता। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, इसको करूँगा क्या, थोड़ा सा इसमें चेंज करके बनाऊंगा इसको कि क्या है, इसको देखना है, और जो बीच में जो ऑप्शन इसमें है 21 नंबर का वो देखना है। लेकिन सोचना है कि अगर SLP S4 बनाया गया है रैम को सस्पेंड करने के लिए, तो अगर मैं इसको कहीं और से बाईपास कर दूं तो पॉसिबल है कि चल जाए, लेकिन चलता भी है, पहले भी किया था, लेकिन उसमें दिक्कत आता है कि ब्लू डंप का, या जब सिस्टम आपका रिज्यूम होगा स्टैंडबाई में जाके तब वहाँ पे दिक्कत आ सकता है, जहाँ पे ACPI का काम चलना होगा वहाँ पे प्रॉब्लम करेगा वो, क्योंकि वो ACPI एक तो कॉन्फ़िगर GPIO है, SLPS4 एक कॉन्फ़िगर GPIO पिन है जो कि ACPI के थ्रू कॉन्फ़िगर किया जाता है इसमें, और उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा कहाँ, स्टेटस रजिस्टर्स जब काम करेंगे, जब उसको सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम स्लिप में डालेगा या फिर रिज्यूम करवाएगा स्लिप से, या फिर रिस्टार्ट होते समय या फिर पावर डाउन होते समय, ये सब दिक्कत आ सकता है। अगर वो प्रॉपरली डाउन नहीं होता है वो सेक्शन तो बंद नहीं होगा, आपने देखा होगा काफ़ी सारे केसेस में पावर डाउन नहीं होता, यानी कि आप ऑफ करेंगे ब्लू डंप हो जाएगा, या तो वो क्या होता है मतलब रिस्टार्ट हो जाएगा, या तो वहीं पर आके एक जगह पर हैंग हो जाता है और वहाँ से कुछ ना होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, बंद नहीं होता है कि चालू नहीं होता है, तो उस टाइप का केस आ सकता है। तो इसको ऐसा एक्ट बनाना है कि इसमें पावर डाउन हो जाए, यानी कि जब शट डाउन किया जाए तो शट डाउन हो और रैम सस्पेंड हो, जब S5 में आए तो रैम सस्पेंड हो, जब रिस्टार्ट हो तो भी जो सीक्वेंस में आए तो सस्पेंड हो जाए रैम, तभी वो रिस्टार्ट होगा प्रॉपरली, जब शट डाउन किया जाए तो प्रॉपरली मतलब सस्पेंड हो रैम। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट है जो कि SLP S4 को 100% तो नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 70% तक मैच कर सकता है,
जो रेफरेंस कुछ सिग्नल्स हैं उनसे मैं बाईपास करके एक एंड गेट लगा के दो सिग्नल को कंपेयर करके एक आउटपुट निकालूंगा। उससे इस SLP S4 के जो आउटपुट में जो लगे हैं, जैसे कि रैम सेक्शन हो गया प्लस IO को बताया जा रहा है कि हाँ SLP S4 है, उसको मैं कंट्रोल करूँगा। तो उसके लिए मुझे चाहिए एंड गेट, और एंड गेट के लिए मैं कोई स्क्रैपिंग बोर्ड ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ। और उसके लिए बोर्ड कहाँ से मिलेगा, एक सेकेंड का टाइम लेता हूँ मैं और एंड गेट ढूँढता हूँ। इसमें एंड गेट कौन सा है, ये MBX 247 है, तो एंड गेट हो सकता है इसमें। तो इसी में अगर देखते हैं एंड गेट कहाँ पे है, तो मैं ऊपर से एक बार DMM पे आऊँगा अगर, तो इसमें अगर एंड गेट लगा है तो कहाँ लगा होगा, कुछ देखा जाए। छोड़ो, इसमें तो मुझे नहीं दिखता, लेकिन मैं दूसरा का जो रेफरेंस है वो दूसरा रेफरेंस ले लेता हूँ, दूसरे किसी का। ये बोर्ड है एक तो, और एक सेकेंड का टाइम लेता हूँ और मैं दूसरा बोर्ड ही ले आता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि जो बोर्ड है इसमें अलग पार्ट नंबर होगा तो मुझे मैच करने में तकलीफ़ हो जाएगा। तो दूसरा बोर्ड है, पेन गेट है भी नहीं, कहाँ गया। तो हो, नहीं इस बोर्ड में नहीं है, दूसरा बोर्ड लाता हूँ। किसी सिग्नल मैच कर वहाँ से मैं उसमें यूज़ करता हूँ अगर, तो क्या होगा कि वो बाईपास अगर इधर कोई रिफेक्ट करता है तो उधर भी ख़राब कर सकता है। तो एटलीस्ट गेट लगाने से क्या होगा कि अगर उस सेक्शन में सामने सेक्शन में ख़राबी आता है तो वो दिक्कत नहीं करेगा, एटलीस्ट चलते रहेगा वो, मतलब पीछे का ख़राब नहीं होगा जो सोर्स जो चीज़ है। तो इस बोर्ड में नेगेट मिल जाएगा मुझे, और कंप्यूटर तो ये गेट है एक ठो यहाँ पे, तो एंड गेट का अगर ये बोर्ड का पार्ट नंबर लूँ तो ZSLA992P है। तो 992P अगर है तो मैं एक बार 992P का स्कीमेटिक ले आता हूँ कहीं से, गूगल LA पीसी स्क्रीन देखना चाहें तो दिखा सकता हूँ। LA992P है ना, तो ये है, यहीं से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, कहीं से मिल जाए कहीं से ले लेते हैं। और ये कुछ मेरा है, यहाँ पे यूट्यूब में कुछ कोर्सेस क्लासेस चल रहे हैं अभी, और ऑफिस से PDF पे आते हैं अपन। तो PDF पे अगर आऊँ तो इसको मैं क्लोज करना चाहूँगा, क्योंकि दूसरा PDF खोलना है और वहाँ पे एक ही PDF दिखता है, उसी हिसाब से मैं इसको सेट कर रखा हूँ। यहाँ पे अगर देखूँ तो इस IC का लोकेशन क्या है भाई, UC10, UC10 अगर है तो, अगर फिर से वापस PDF पे आऊँ
तो इशू चेन का थोड़ा सेक्टर नंबर चाहिए क्योंकि उसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। UC10 ये यहाँ पर लगा है। तो इसका 5 नंबर पिन जो है VCC है और वह आंसर है 4 नंबर। 1 नंबर और 2 नंबर इसका इनपुट है और 3 नंबर ग्राउंड है। तो कुछ ऐसे ही मिल लेता हूँ इसको और यहाँ पे आता हूँ माइक्रोस्कोप पे। तो 1 नंबर पिन क्या था इसका? 1 नंबर पिन था ए, 2 नंबर पी बी इनपुट और 3 नंबर ग्राउंड। तो एक बार मेजर कर लेता हूँ मैं, क्या ये सही है जो मेरे को दिखाया जा रहा है डेटा शीट में, वो क्या सही है? तो 3 नंबर पिन ग्राउंड मिल रहा है, अच्छी बात है। और ये होगा, ये 4 नंबर आंसर होगा। 1 2 3, 1 2 3, 4 5, ऐसे आएगा ना? ना ये तो VCC ही होगा। 1 2 3 4 5, ऐसा होगा। नहीं, 5। अच्छा, इसका एक छोटा सा डेटा सीट ही ले लेता हूँ क्योंकि क्यों कंफ्यूजन में रहना है। और सॉरी, PC स्क्रीन दिखाना था मुझे। तो इसका जो पार्ट नंबर है ये है, और मुझे जो चाहिए इसका डेटा सेट चाहिए क्योंकि उसको मैं प्रॉपरली यूज़ करना है। यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता कि प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं पे, मतलब लो पावर बफर हो भी तो ओपन ड्रेन आउटपुट। ओके, ओपन ड्रेन आउटपुट है ये, और एक के बाजू वाला 5 नंबर है। ठीक है, एक के बाजू वाला 5 नंबर, ये 4 नंबर सही है। तब इसको वापस से अगर माइक्रोस्कोप पे आऊँ तो ये है वो एक के बाजू वाला 5 नंबर यानी कि VCC, और ये है ग्राउंड, और ये हो गया आंसर, ये हो गया ये, और ये बी। ठीक है, अब इसको निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको निकालता हूँ इधर से। ट्यूज़र चाहिए होगा इसको निकालने के लिए मुझे, तो ट्यूज़र है कहाँ पे? उसको सेट करता हूँ और जिस पे काम करना है उसको लेके आता हूँ। तो इस बोर्ड में अपने को ढूंढना है VCC 3 वोल्ट VCC कहाँ है ना, क्योंकि VCC देना पड़ेगा इसमें। और तो इसका स्कीमेटिक जो है सेडर का, उसमें जाना पड़ेगा मुझे। इस पे आने के बाद मेरे को क्या ढूंढना है वो दिखाता हूँ। इसमें चाहिए मेरे को EC, कौन सा पेज में था यार?
7 9 8 चलो क्या चेक करते हैं, पीसी अंडरस्कोर आरएक्सटी चेक कर लेता हूँ, वो मिल जाएगा वहीं से। ये भी नहीं मिला, अरे भगवान कहाँ गया ये 285। अरे कॉपी नहीं हुआ, ये मिल गया। इसका जो वीसीसी है कहाँ गया, तो ऑक्सिलरी वीसीसी जो है 19 नंबर पिन पे है, और दूसरा चीज़ है 102 नंबर पिन पे ए वीसीसी। तो 102 नंबर का जो पिन है कौन सा होगा, 102 और 19 नंबर अगर देखा जाए तो 19 नंबर जो है यहाँ पे है, और माइक्रोस्कोप पे लाऊंगा अगर, तो 19 नंबर पिन जो है 5 5 10 15 20 19 ये हो गया। तो 19 अगर ये है 5 10 15 20 तो 19 नंबर ये हो गया, और ये गया कहाँ है यहाँ पे, और ये पिन जो है ये क्या चीज़ में आ रहा है काम, पास में कोई ग्राउंड होगा तो यहीं पर मैं उस आईसी को लगा लूँगा। पाँच दस पंद्रह बीस तो ये है वो, नाइनटीन नंबर चाहिए ना मेरे को, 19 नंबर से ये आ गया 19 20 एक दो 5 5 10 15 20 यहाँ पे आ जाता है ये, और ये होता है 19। तो यहाँ पे वोल्टेज एक बार चेक करता हूँ कि क्या यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, कुछ वोल्ट मिल रहा है क्या मेरे को, 3.3 चाहिए प्लस ग्राउंड चाहिए पास में, और दिखाऊँ अगर 3.2 है, और ये ग्राउंड है, हाँ ये ग्राउंड है, तो काम हो गया अपना सही है। तो इसको ग्राउंड में लिया जाएगा, और इसको ये जो है बीसीसी में, तो इसका जो एक नंबर जो पिन है अगर देखा जाए इस गेट का बफर बनाना है एक, तो एक नंबर पिन जो है 1 और 3 नंबर ग्राउंड, ठीक है इसको कुछ मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, ताकि होगा ये कि आसपास में चाहिए हो तो आसपास में ही काम अपना बन जाएगा। गर्म नहीं है, जो 3 नंबर पिन है उसको ग्राउंड चाहिए, तो एक तो सही तरीका हो गया यहाँ पे, मतलब दोनों मतलब आसपास मिल गया लेग, और जो है यहाँ पे जो है इसको मैं
ऊपर कर लेता हूँ ताकि इसको मैं जोड़ने में मेरे को सुविधा होगा, नीचे से शॉर्ट ना हो जाए, है ना। और ये जो आंसर है ये आंसर जाएगा अपने जहाँ जहाँ पे देना है मुझे इसका आउटपुट। तो एक तो पहले एक वायर लेना पड़ेगा मुझे छोटा सा, उसके लिए मेरे को चाहिए वायर। पहले मैं ये देख लूँ कि ये कुछ शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सप्लाई लगा के चेक करता हूँ यहाँ पे कि क्या हो रहा है कुछ, और आंसर में कुछ मिल रहा है क्या। आंसर में मेरे को क्या मिल रहा है वो एक बार देखता हूँ। आंसर में कुछ नहीं है, और ये ग्राउंड है यहाँ पे 3.2 मिल रहा है, सही है। और यहाँ पे गेट है, मतलब इनपुट ए इनपुट बी जो भी है। तो अब मेरे को आंसर जोड़ना है पहले कहाँ जहाँ पे मेरे को चाहिए, जिस सेक्शन में रिक्वायर है। इसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा क्योंकि टूटना नहीं चाहिए ना। ये तो पास में ही चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और क्योंकि आईओ पे भेजना है, क्योंकि आईओ को भी तो पता चलना चाहिए ना कि S4 है बोल के। अगर उसको पता नहीं चलेगा तो वो चालू नहीं होगा ना, सेक्शन को चालू नहीं करेगा, बाकी जो चीज़ है उसको आउटपुट नहीं करेगा। तो यहाँ हो गया, और दूसरा आंसर चाहिए अपने को कहाँ चाहिए, जो चाहिए रैम सेक्शन को, और रैम सेक्शन में जहाँ पे ये होगा जहाँ से सस्पेंड करने के लिए यूज़ किया गया था इस S4 को। तो दो चीज़ हो गया, दो ही सेक्शन में यूज़ हो रहा था, नेट भी मैं चेक किया था, नेट में भी तो दो ही सेक्शन ही दिख रहा था, और दो सेक्शन को ही यूज करना है यहाँ पे। तो उसको मार लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि इसमें अच्छा वायर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि ये जो जोड़ूंगा मैं जहाँ जहाँ पे इनपुट के लिए, दो इनपुट लेके एक आउटपुट निकाला जाएगा, जैसे कि उसको ये थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि SLPS4 है बोल के, बेवकूफ़ बनाया जा सके इस सेक्शन को। इसलिए तो वो जहाँ से आएगा, अगर इस सेक्शन में ख़राबी निकलता है आगे वाला सामने वाला सेक्शन में, या सपोर्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ काम में आ जाएगा। और इसको कहीं से भी जोड़ने से चालू तो हो जाएगा, लेकिन जैसे बताया मैं SLPS4 जहाँ जहाँ सस्पेंड करने के लिए काम दिया गया है, जो ACPI को प्रोग्राम किया गया है, जैसे लिखा गया है कोड वहाँ पे, उसका जो जब कोड रन करेगा तब ये दिक्कत कर जाएगा। तो दूसरा अपन जोड़ेंगे इसको, मैं यानी कि मैं जोड़ूँगा रैम सेक्शन में, और जो रैम सेक्शन इधर है तो इसको जोड़ता हूँ पहले, फिर इसका जो इनपुट चाहिए वो इनपुट कहाँ से लेना है वो डिसाइड करूँगा, क्योंकि वो डिसाइड करना मेन चीज़ है। ऑलरेडी मैं डिसाइडेड तो हूँ,
लेकिन ये वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा वो मुझे नहीं मालूम। इस बोर्ड में, दूसरे बोर्ड में तो वर्क किया था, और जो है और दो वायर चाहिए मुझे उसका, ये जोड़ने के लिए, इनपुट जोड़ने के लिए दो वायर भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो उसके लिए फिर से मैं दो वायर ढूंढता हूँ। इस तरह केस बहुत कम आता है, और आता है तो पूरा रुला देता है। और इस तरह केस ज़्यादातर शॉर्ट आउट भी नहीं होता है। अभी भी होने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेहनत तो कर रहा हूँ। उसको जोड़ना है इसको रेफरेंस के लिए। तो थोड़ा सा और इसको मैं देखूँ, पहले इसका इनपुट पिन जो है यहाँ पे इसको जोड़ लेता हूँ। ये सब बाईपास करने के लिए आप अगर कर रहे हैं तो अपने मतलब किसी का देखा दिखाया मत करें, क्योंकि क्या होता है सामने वाला क्या देख के क्या डिसाइड करके किया है वो आपको नहीं मालूम, नहीं बताएगा। तो जिसका रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करना चाहते हैं उसका रिक्वायरमेंट क्या है वो आप पहले समझ लें, वो किस स्टेट में काम करता है और क्या काम है उसका वो समझ लें, उसके बाद इस तरह का एक्टिविटी करें। नहीं तो क्या होगा ना, डैमेज क्रिएट होगा और कुछ नहीं। तो यही बात है। और इसको मैं जोड़ने के लिए कौन सा जगह यूज़ करूँगा वो थोड़ा देख लूँ। अच्छा ठीक है, तो कहाँ पे जुड़ेगा ये मैं थोड़ा सा देखता हूँ उसको। जो है कहाँ पे जुड़ने वाला है, कहाँ पे जुड़ेगा। थोड़ा सा मैं बोर्ड भी देखना चाहूँगा कि बोर्ड भी कहाँ पे है। तो बोर्ड व्यू जो है दिख रहा है, हाँ
तो अब एक बार इसको मैं ऑन करके देखूँ तो क्या हो रहा है, जो चीज़ मैं इसको बनाया हूँ वो क्या काम कर रहा है। सॉरी, तो पहले तो मैं देखता हूँ कि ये बोर्ड चालू होता है कि नहीं। सही है। सही है, नहीं है। अच्छा, ये लो। ठीक है, ठीक है। और जो है थोड़ा सा गलती हो गया है, और एक पॉइंट मेरे को चेंज करना पड़ेगा इसको। जो है कहाँ से लेना है, बंद है तो। अब देखते हैं। बोर्ड चालू हो गया, लेकिन कुछ चीज़ देखना है कि जो तरीका मैंने अपनाया है क्या वो सही है।
सॉरी, मेरा बीच में आवाज़ चला गया था, माइक का बैटरी डाउन हो गया। तो ये रेडी हो चुका है और वापस से मैं इसको चालू कर रहा हूँ, तो ये चल रहा है एकदम सही से। इसको ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो रहा है, ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ हो रहा है। अगर इसको मैं फिर से इसको निकालूँ यहाँ से तो देख सकते हैं, ऑन हो रहा है, ऑफ़ भी हो रहा है। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और यह है एक छोटा सा केस स्टडी, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आप सभी को। इसको बोर्ड को थोड़ा लेता हूँ, उस वायर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करता हूँ, और जो भी मैंने किया उसको बहुत सोच समझ के किया यहाँ पे, और उसका जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको समझा। S4 नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में क्या दे सकता हूँ। तो मैं दो रेफरेंस लिया हूँ, और रेफरेंस तो मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सभी चीज़ सभी को नहीं बताया जाता, और जिनको जानना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि क्या होता है ना, फ्री का चीज़ मिला हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो या तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके इसका बाईपास करना सीख लीजिए, या फिर आप जो स्कीमाटिक या डाटा शीट को रेफ़र कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जोड़ना है इसको, और इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों क्यों है S4, और क्यों चाहिए, और जो इसमें यूज़ हुआ है इस बोर्ड में वो किस लिए यूज़ हुआ है, उसको आप उसको देख के आप समझ सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक स्टडी आप सभी के लिए। तो इसमें SOC बच गया, मतलब SOC रिप्लेस करना नहीं पड़ेगा, और उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं डायग्नोज किया था, जो वो फेसबुक लाइव पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि मैं रात को अभी काम कर रहा हूँ, कुछ 12 बजे है। तो सभी गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।